हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी क्लास 11th बायोलॉजी का। पिछले चैप्टर के अंदर हमने स्टडी की थी इनफ्लोरेसेंस के बारे में, पुष्पक्रम के बारे में, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द पेडंकल इज नॉन एज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस के टाइप्स पढ़ लिए थे हमने, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, साइमोज इनफ्लोरेसेंस एंड स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्प। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाला संघनित कंडेंस्ड विशिष्ट प्रवाह होता है। फ्लावर क्या होता है? एक कंडेंस्ड एंड स्पेसिफिक शूट होता है, यानी आप बोल सकते हो फ्लावर क्या होता है, इट इज ए मॉडिफाइड शूट, इट इज ए मॉडिफाइड शूट, इट इज ए मॉडिफाइड शूट। व्रंथ युक्त पुष्प, व्रंथ युक्त यानी जिस पुष्प के अंदर, जिस फ्लावर के अंदर स्टॉक्ड हो, तो उसको बोलते हैं सैव्रंथ पुष्प, या इसको बोलते हैं पेडिसिलेट। क्या बोलते हैं इसको? पेडिसिलेट। व्रंथ रहित पुष्प यानी जिसमें स्टॉक नहीं होती, उसको बोलते हैं अव्रंथीय पुष्प या सेसाइल, सेसाइल फ्रूट। यानी कि अगर इस टाइप की स्टॉक और ऊपर फ्लावर लगाओ तो इस फ्लावर को क्या बोलोगे? पेडिसिलेट। और सीधा ही मान लो ये पेडंकल और इसके ऊपर इस टाइप से फ्लावर लगाओ, यानी स्टॉक्ड ना हो, ठीक है, तो इस प्रकार के पुष्प को क्या बोलोगे या फ्लावर को क्या बोलोगे? ससाइल फ्लावर या अव्रंथीय पुष्प बोलते हैं। व्रंथ का सिरा या पुष्प का आधार क्या कहलाता है? पुष्पाशन कहलाता है, थैलेमस कहलाता है, यानी इस थैलेमस के ऊपर पुष्प के सभी भाग लगे होते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन थैलेमस, क्योंकि थैलेमस के ऊपर क्या होती है? नोड्स पाई जाती है, चार प्रकार की नोड्स होती है, यानी थैलेमस पे नोड्स और इंटरनोड्स दोनों होती है, जैसे स्टेम के अंदर होती है, लेकिन इंटरनोड क्या होती है? थोड़ी छोटी होती है। और नोड कितनी होती है? चार नोड होती है, और चारों नोडों के ऊपर चार फ्लावर के पार्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट नोड के ऊपर पार्ट होता है कैलिक्स, जिसको हिंदी में दल बोलते हैं। दूसरी नोड के ऊपर पार्ट होता है बाह्य दल, जिसको कोरोला बोलते हैं। तीसरी नोड के ऊपर, थर्ड नोड के ऊपर होता है स्टेमन, ओके, जिसको पुंकेसर बोलते हैं। और फोर्थ नोड के ऊपर होती है कार्पल, जिसको अपने अंडब बोलते हैं, ठीक है। तो चार प्रकार की नोड होती है थैलेमस के ऊपर। पुष्प सदैव कक्षस्थ या शीर्षस्थ कलिका से विकसित होता है। कक्षस्थ कलिका को बोलते हैं एक्सिलरी बड, और शीर्षस्थ कलिका को बोलते हैं टर्मिनल बड। किस प्रकार से होता है? देखिए, ये एक पुष्पावली अक्ष है, पेडंकल है। अगर इसके एपेक्स के ऊपर फ्लावर लगाओ तो यहाँ जो बड बनते हैं, उससे जो पुष्प होता है बनता है, उसको बोलते हैं शीर्षस्थ कलिका, टर्मिनल बड। ये कौन सी बड है? शीर्षस्थ कलिका, टर्मिनल बड। और अगर लेटरल साइड के अंदर फ्लावरिंग हो इस टाइप से, तो सबसे पहले यहाँ एक बड बनेगी, उस बड को क्या बोलते हैं? कक्षस्थ कलिका बोलते हैं या एक्सिलरी बड बोलते हैं। यानी कि लेटरल साइड के अंदर फ्लावरिंग होना किससे होता है? एक्सिलरी बड से। और टर्मिनल शूट के ऊपर, टर्मिनल शूट के टर्मिनल भाग के ऊपर अगर फ्लावर लगा हो, तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ कलिका से बना हुआ फ्लावर। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। पुष्पाशन पर पर्व, यानी कि पुष्पाशन पर पर्व, अभी मैंने बात की थी नोड के बारे में, कौन कौन सी नोड्स होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं पुष्पाशन पर पर्व। सबसे पहले होते हैं दलधर, एंथोफोर। एंथोफोर क्या होती है? बाह्य दल व दल के मध्य होती है, यानी कि इंटरनोड बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला इज नोन एज एंथोफोर, यानी कि बाह्य दल और दल के बीच में पाए जाने वाली पर्व को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंथोफोर। सेकंड होती है पुमंगदर, एंड्रोफोर। एंथोफोर, एंड्रोफोर, थोड़ा नाम के कन्फ्यूजन मत नहीं होना चाहिए, एंथोफोर, एंड्रोफोर। दल व पुमंग के मध्य, यानी कि स्टेमन और कोरोला के जो बीच के अंदर जो नोड होती है या इंटरनोड होती है, उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोफोर, दल व पुमंग के मध्य। थर्ड टाइप की होती है जायांगदर, गाइनोफोर। पुंकेसर व अंडब के मध्य, द
इंटरनोड बिटवीन द स्टेमन एंड कार्पल इज नोन एज गाइनोफोर, इज नोन एज गाइनोफोर। पुष्प मांसल कलिकाओं या उपशल्क कंद बल्बिल में रूपांतरित होती है। मांसल होते हैं फ्लैशी बर्ड्स, उपशल्क कंद को बोलते हैं बल्बिल में रूपांतरित होती है, जैसे प्याज और अगेव के अंदर, ऑनियन के अंदर, ओके प्याज और अगेव के अंदर। पुष्प दो भागों में बंटा होता है, आवश्यक भाग जिनको एसेंशियल पार्ट बोलते हैं और अनावश्यक भाग जिनको नॉन एसेंशियल भाग या एसेसरी पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, आवश्यक भाग एंड अनावश्यक भाग। आवश्यक भाग को बोलते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एसेंशियल पार्ट कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं फ्लावर के अंदर, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं, एसेसरी पार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला। अब डायग्रामेटिकली देखते हैं एक फ्लावर क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर क्या होता है, उस फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से वो थैलेमस के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है स्टिग्मा, ये कार्पल का पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ये कार्पल के भाग है। थोड़ा ये डायग्राम मैंने गलत कर दिया, कार्पल के भाग है ये, ठीक है, ओवरी यानी कि एक कार्पल कौन कौन से भाग से मिलकर बना होता है, तीन भाग से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो इस भाग को क्या बोलते हैं, कार्पल, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। और कार्पल का जो ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ कार्पल्स या कार्पल्स अंडप का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोशियम। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं स्टेमन, ये वाला पार्ट क्या है, स्टेमन, ठीक है। और स्टेमन के अंदर ये देखोगे ध्यान से, अंदर स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, और सेकंड पार्ट होता है इसका फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर, और एंथर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई, एक धागे नमा संरचना निकली हुई है, जो किसके साथ जुड़ रही है, थैलेमस के साथ जुड़ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर एक थर्ड पार्ट भी होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में कनेक्टिव नहीं होता, सिर्फ एंथर और फिलामेंट होते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टेमन, पुमंग का समूह क्या कहलाता है, पुमंग का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। द ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। अब ये जो एंथर होता है इसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, और इन चार माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, चार पोलन सैक होते हैं, और इन चारों पोलन सैक के अंदर किसका, किसकी फॉर्मेशन होती है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होती है, पराग कणों की फॉर्मेशन होती है, किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाए जाने वाले पोलन सैक के अंदर। ओके, इन ट्वेल्थ क्लास यू स्टडी अबाउट माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो ये पार्ट कौन सा हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इससे पहले हमने कार्पल पढ़ा था, वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी पुष्प के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो ये दोनों पार्ट, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, एसेंशियल पार्ट के अंदर आते हैं। यानी क्यों इनको एसेंशियल बोलते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन कौन से एसेसरी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एक फ्लावर के अंदर। कैलिक्स सबसे पहले होता, कैलिक्स, ओके, ये वाला पार्ट है, जो फर्स्ट नोड जो थैलेमस की होती है, वो इंटरनोड होती है, वो किस में चेंज होती है, कैलिक्स के अंदर। ठीक है, अब कैलिक्स की यूनिट होती है उसको बोलते हैं सेप्पल, क्या बोलते हैं, सेप्पल, सेप्पल। तो ग्रुप ऑफ सेप्पल, सेप्पल का जो समूह होता है या दलों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं,
कैलिक्स बोलते हैं, दल बोलते हैं, ठीक है। तो सेपल किसकी यूनिट है? कैलिक्स की यूनिट है। सेकंड जो नॉन एसेंशियल पार्ट या एसेसरी पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं उसको? कोरोला। और कोरोला की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल, बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज या पेटल। और जो बाह्य दल पुंज का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला, ठीक है। तो ये सभी भाग क्या हो गए, दोनों पार्ट क्या होते हैं, कोरोला एंड कैलिक्स। ये नॉन एसेंशियल पार्ट या इनको क्या बोल सकते हैं, एसेसरी पार्ट बोलते हैं। ये दोनों पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। और जितने भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट हैं ये फ्लावर के ऊपर लगे, ये फ्लावर के कौन से भाग पे लगे हुए हैं, थैलेमस पे। ये वाला पार्ट जो है ये क्या, थैलेमस, ठीक है। ये वाला पार्ट है थैलेमस। और थैलेमस किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ एक स्ट्रक्चर होती है पेडंकल। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? पेडंकल, ओके पेडंकल। अब आगे चलते हैं, कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प किसको कहते हैं, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन और कार्पल चारों उपस्थित हो, यानी कि चारों ऑल प्रेजेंट हो, कैलिक्स भी हो, कोरोला भी हो, स्टेमन भी हो, कार्पल भी हो, यानी कि एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये चारों साइकल्स प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर, यानी इन चारों में से अगर एक भी एबसेंट हो, यानी मान लो कैलिक्स एबसेंट है, तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। यानी कि इन चारों में से कोई भी एक एबसेंट हो गया तो उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। यदि फ्लावर में, पुष्प में केवल नर या स्टेमन पुंकेसर उपस्थित हो तो उसे पुंकेसरी पुष्प, स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। क्या होता है स्टेमिनेट फ्लावर, यानी ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स सिर्फ एंड्रोशियम हो, सिर्फ स्टेमन हो, तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। यदि पुष्प में केवल मादा या जायांग उपस्थित हो तो उसे स्त्री केसरी, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। कौन सा फ्लावर कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर, यानी कि ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन द फ्लावर, दीज काइंड ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज पिस्टिलेट फ्लावर। नर व मादा दोनों एब्सेंट हो तो उसे न्यूट्रल फ्लावर बोलते हैं, यानी कि ना उसमें स्टेमन हो ना उसमें कार्पल हो, तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फ्लावर, यानी कि इस प्रकार के फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। एक लिंगी पुष्प, नर व मादा, ठीक है, मोनोशियस, जब नर व मादा एक ही पौधे पर हो, नर व मादा एक ही पौधे पर हो, तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं, मोनोइसियस फ्लावर या उभय लिंगाश्री पुष्प बोलते हैं। जैसे कुकुरबिटा, मेज, कस्टर्ड, ओके, कुकुरबिटा जो आप ककड़ी सलाद में खाते हो, खीरा, इन सभी के अंदर कैसे होते हैं, मोनोइसियस होते हैं, जब नर व मादा दोनों क्या होते हैं, एक ही फ्लावर पे हो, तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं, मोनोइसियस फ्लावर। मेज, मक्का, जिया मेज, कस्टर्ड, ठीक है, कस्टर्ड क्या होती है, अरंडी, रिसिनस कम्युनिस, साइंटिफिक नेम होता है रिसिनस कम्युनिस। सेकंड होता है एक लिंगाशयी, डायोशियस, जब नर व मादा अलग अलग पौधों पर हो, नर व मादा अलग अलग पौधे पर हो, यानी कि एक पौधा यहाँ लगा हुआ है, एक पौधा यहाँ लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, मेल है, और इसके ऊपर कौन सा, फीमेल है, ठीक है, तो दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, दोनों एक ही जाति के फ्लावर हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायोशियस। जैसे पपीता के अंदर, पपीता, सैतूत, खजूर, ताड़ के अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल अच्छी तरह के याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज के अंदर एग्जांपल बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। बहुलिंगाश्री, पॉलीसियस, पॉलीगेमस, ओके, पॉलीसियस और पॉलीगेमस टाइप ऑफ फ्लावर, जब एक ही पौधे पर मोनोइसियस व डायोसियस व न्यूट्रल तीनों ही प्रकार के पुष्प उपस्थित हों, तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं,
पॉलीगेमस या पॉलीसियस टाइप का फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल आम, पॉलीगोनम, काजू आदि के अंदर इस प्रकार का फ्लावर पाया जाता है, आम, पॉलीगोनम, काजू के अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है समरूप, समरूप जिसको आइसोमेरी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं आइसोमेरी। विभिन्न पुष्पांगों में उसके मुख्य भागों की संख्या बराबर होने की स्थिति समरूप कहलाती है, यानी कि नंबर ऑफ द ऑल द होल्स प्रेजेंट ऑन द फ्लावर आर सेम, दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोमेरी कंडीशन। आइसोमेरी कंडीशन कैसे, जैसे स्टेमन माल मैंने कैलिक्स कितने हैं 5, कोरोला कितने हैं 5, स्टेमन कितने हैं 5, ठीक है, और कार्पल क्या पेंटा कार्पेलरी है 5 कार्पल है, पेंटा कार्पेलरी कंडीशन। तो सारों के नंबर क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो इस प्रकार का जब पुष्प होता है इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं आइसोमेरस फ्लावर बोलते हैं, आइसोमेरी कंडीशन बोलते हैं इसको। आई बात समझो। नेक्स्ट होता है बाईमीरस सरसों, ट्राईमीरस प्याज के अंदर, टेट्रामीरस यानी कि बाईमीरस मतलब दो 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 सब, ट्राईमीरस तीन तीन तीन, टेट्रामीरस चार चार चार, पेंटामीरस पाँच पाँच पाँच, सभी की नंबर क्या हो सेम आते हो तो उनको क्या बोलते हैं पेंटामीरस, टेट्रामीरस, ट्राईमीरस और बाईमीरस। लेकिन कुछ फ्लावर क्या होते हैं हेट्रोमीरस होते हैं जिनमें नंबर सेम नहीं होते, हेट्रोमीरस, जैसे सोलेनम नाइग्रम मक्कोए, अगर इसके अंदर देखें तो इसमें नंबर ऑफ कैलिस कितने होते हैं 5, 5 कोरोला होते हैं, 5 स्टेमन होते हैं, लेकिन कार्पल इसमें कितने हैं 2 हैं। तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं हेट्रोमेरस फ्लावर बोलते हैं। आई बात समझ में। आइसोमेरी क्या होती है जब नंबर ऑफ ऑल ऑल्स आर सेम, ओके, और जब नंबर अलग अलग हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं हेट्रोमेरस फ्लावर बोलते हैं। अब अपने डिस्कस करते हैं पुष्पीय सममिति, पुष्पीय सममिति या इसको बोलते हैं फ्लावर सिमिट्री, फ्लावर सिमिट्री। त्रिजात सममित, त्रिजात सममित इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। पुष्प को किसी भी तल से काटने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाए तो इस प्रकार के फ्लावर के अंदर कौन सी सममिति है एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्रिकल प्लांट्स है, फ्लावर है ये, ठीक है। कैसे होता है जैसे मान लो ये कि ये फ्लावर है, ये फ्लावर, अब मैं इसको सेंटर से होते हुए कहीं से भी काट दूं, इस टाइप से इधर से काट दूं, कोई भी प्लेन एंटीक्लिनर, पेरिक्लिनर, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल, किसी भी सेक्शन से आप काट दो तो दो इक्वल पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाता है, यानी दोनों जो पार्ट्स बने हैं दोनों के अंदर स्ट्रक्चर क्या होती है एक दूसरे की, ये मिरर इमेज हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं त्रिजात सममित फ्लावर बोलते हैं या इसको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। सेकंड होता है एक व्यास सममित, एक व्यास सममित इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। पुष्प को केवल एक ही सतह से लंबवत दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि एक ही प्लान ऐसा होता है जहाँ से अगर पुष्प को आप काटोगे तो वो दो समान भागों में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे ये फ्लावर है, अब मैं इस फ्लावर को एक ये लॉन्गिट्यूडनल यहाँ से अगर मैं काटूँ सिर्फ एक ही पार्ट तो ये दो समान भागों में डिवाइड हो जाएगा। मान लो इधर 3 स्टैमन थे, इधर 2 स्टैमन थे, तो इसके अंदर तो 2 स्टैमन हो गए, इधर क्या हो गए 3 स्टैमन हो गए, लेकिन ये भाग क्या हो गए सेम नहीं हुए, ठीक है। कैलिक्स इधर 3 हो गए, इधर 2 हो गए, इधर क्या हो गया अलग स्ट्रक्चर बन गई, कार्पल अलग हो गए। तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं एक व्यास सममित फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल है मटर पी, पाइसम स्टाइवम सेम, ओके, सीजल पीनिया, केशिया, केशिया फिस्टुला के अंदर इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। अब हम देखते हैं रेगुलर फ्लावर, रेगुलर फ्लावर। प्रत्येक पुष्पांग के सदस्य जब आकार, माप, रंग व उत्पत्ति में समान हो, यानी कि ऑल द पार्ट ऑफ द फ्लावर आर सेम इन शेप, साइज, कलर एंड ओरिजिन, तो इसको क्या बोलते हैं रेगुलर फ्लावर बोलते हैं। जैसे ब्रेसिका, ब्रेसिका, सोलेनम,
ओके, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलनजेना, ये सोलेनेसी फैमिली के मेंबर है। आलू, बैंगन, इनके अंदर इस प्रकार के फ्लावर होते हैं, रेगुलर फ्लावर होते हैं। इरेगुलर फ्लावर यानी कि ऊपर वाले भाग में से, यानी कि किसी भी फ्लावर पार्ट में से किसी एक में विभिन्नता हो, वेरिएशंस आ जाए, तो उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? इरेगुलर फ्लावर। मटर, कैना, ये इसके एग्जाम्पल है। अब अपने बात करते हैं पुष्पाशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थैलेमस, टाइप्स ऑफ थैलेमस। फर्स्ट होता है जायांगदर, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। जब स्टेमन, पेटल, सेपल पुष्पाशन पर जायांग के नीचे लगे हों तो पुष्प जायांगदर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? जायांगदर कहलाता है। कैसे? यानी कि इसमें ओवरी क्या होती है? उधर्व होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। ओवरी ऊपर होती है, बाकी जितने तीन पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे होते हैं। ध्यान से देखो, ये थैलेमस है, इस थैलेमस से ये देखोगे ओवरी क्या हो रही है, तीनों से ऊपर हो रही है, ठीक है। ये ओवरी क्या हो रही है? ऊपर हो रही है। यहाँ पे यानी कार्पल क्या ऊपर की तरफ है, और ये कैलिक्स, कोरोला और स्टेमन क्या है? नीचे है। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस कंडीशन बोलते हैं, जायांग धर कंडीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका गुड़ल, बैंगन, रेनन्कुलस। ओके, बैंगन का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सोलेनम मेलोंजेना। ओके, गुड़ल, गुड़ल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये मालवेसी फैमिली का मेंबर है। रेनन्कुलस, रेनन्कुलस, रेनन्कुलेसी फैमिली का मेंबर है। थर्ड टाइप होता है परिजायांगी, पेरीगाइनस कंडीशन, पेरीगाइनस कंडीशन। डिस्क या चक्कर के समान चना में मटर के अंदर होता है। ओके, कप के समान प्रूनस के अंदर होता है, फ्लास्क के समान गुलाब के अंदर होता है, और ओवरी इसमें क्या होती है? सुपीरियर या इंफीरियर होते हैं, अलग भाग क्या होते हैं? इंफीरियर होते हैं। नेक्स्ट होता है जायंगो परिक, एपिगाइनस। इंफीरियर ओवरी होती है इसके अंदर, पुष्पाशन वृद्धि कर ओवरी के ऊपर फ्यूज हो जाता है। अधो अंडाशय, स्टाइल व स्टिग्मा मध्य से विकसित होते हैं, जबकि अन्य पुष्पीय भाग किनारों से विकसित होते हैं। सूर्यमुखी, अमरूद, खीरा, सेब के अंदर कैसे होता है? देखो अभी इस फ्लावर के अंदर देखो, थैलेमस ने पूरा घेर लिया इसको, ठीक है, ओवरी को। और जब जितने थ्री पार्ट्स है, कैलिक्स, कोरोला और स्टेमन, ये क्या है? ओवरी से ऊपर है, ओवरी तो यहाँ रहेगी, ये पार्ट क्या हो गए? ऊपर हो गए। तो इस प्रकार के जायांग को क्या बोलते हैं? एपिगाइनस, एपिगाइनस कंडीशन। आगे देखते हैं पुष्प के भाग। अब एक एक पार्ट को अपने लेख के चलते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, कैलिक्स की यूनिट हमने पीछे भी डिस्कस किया, क्या होती है? सेपल। ये कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी द गिव राइज प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन द बड स्टेज, इन द बड स्टेज। हरे रंग के अलावा अन्य रंग का होने पर ये पेटेलोइड कहलाते हैं, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है, मैक्सिमम जो कैलिक्स होते हैं वो लीफ के जैसे होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनके अंदर ये अलग कलर के हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कैलिक्स को क्या बोलोगे? पेटेलोइड। पेटेलोइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी पेटल्स होते हैं वो कोई ना कोई कलर लिए होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई कलर होता है, कलरफुल होते हैं, ग्रीन कलर नहीं होता, बाकी सभी कलर होते हैं उनके अंदर। पॉलीसेपेलस कंडीशन, पॉलीसेपेलस कंडीशन, पृथक बाह्य दली, पृथक बाह्य दली। यानी कि एक फ्लावर के अंदर, मान लो मैंने एक फ्लावर के अंदर पांच सेपल हैं, कितने? फाइव सेपल हैं, पांच दल हैं, लेकिन ये दल क्या है? सारे एक दूसरे से फ्री है। ऑल द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, ऑल द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसेपलस कंडीशन बोलते हैं। कौन सी? पॉलीसेपलस कंडीशन बोलते हैं। गैमोसेपलस, गैमोसेपलस मतलब नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ सेपल्स आर फाइव, ओके, दलों की संख्या कितनी है? पांच है, लेकिन पांचों आपस में यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, फ्यूज्ड है, तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं गैमोसेपलस कंडीशन। व्हेन ऑल द सेपल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, दिस कंडीशन इज नोन एज गैमोसेपलस कंडीशन, या इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त बाह्य दली, संयुक्त बाह्य दली। सोंकस व कुछ अन्य एस्ट्रेसी, कंपोजिटिव फैमिली भी बोलते हैं सोंकस, व कुछ अन्य एस्ट्रेसी में कैलिक्स
रोम गुच पेपस में चेंज हो जाते हैं, किस में चेंज हो जाते हैं, रोम गुच या पेपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कंडीशन का पेपस पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है पर्णपाती, पर्णपाती सेपल्स डेसिड्यूस, पुष्प के मुरझाने पर ये गिर जाते हैं, यानी कि जब फ्लावर में क्या हो जाती है मुरझाना होता है तो वो ये सभी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वेल्टिंग होती है, वेल्टिंग होता है क्या, ये गिर जाते हैं। आशुपाती कैड्यूकस, पुष्प के खिलने के साथ गिर जाते हैं, जैसे ही फ्लावर फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग होती है क्या होती है, ये सेपल्स क्या होते हैं, गिर जाते हैं, जैसे पॉपी के अंदर, पॉपी क्या होती है, ठीक है, अफीम के पादप के अंदर। आपाती प्रिस्टेंट, जब बाह्य दल फल के साथ संलग्न रहते हैं, बाह्य दल क्या होते हैं, अगर फ्लोवर नहीं, जब फ्लोवर से आगे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है और फ्रूट बना रहता है, फ्रूट बना तो फ्रूट के डेवलपमेंट तक, फ्रूट के ऊपर तक ये बने रहते हैं, तो इस प्रकार के सेपल्स को क्या बोलते हैं, प्रिस्टेंट बोलते हैं। जैसे मटर के अंदर, बैंगन के अंदर, आप बैंगन देखोगे उसके ऊपर इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, ये बैंगन है, इस बैंगन के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं, प्रिस्टेंट सेपल्स होते हैं। नेक्स्ट होता है एपिकैलिक्स या हाइपोकैलिक्स, कैलिक्स के बाहर नीचे की ओर पाए जाने वाली हरी संरचना जो अतिरिक्त घेरे के रूप में होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स बोलते हैं। ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में नहीं होता, एक्सेप्शनल केस के अंदर होता है, जैसे चाइना रोज के अंदर, चाइना रोज को क्या बोलते हैं, अपने गुड़ल बोलते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मालवेसी फैमिली का मेंबर है ये चाइना रोज के अंदर, और रोजेशियस पादप स्ट्रॉबेरी के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी इसी टाइप की कंडीशन पाई जाती है, यानी कि एक ये फ्लावर है, अब इस फ्लावर के अंदर नीचे क्या, ये कैलिक्स है, नीचे की और कुछ और इस टाइप से निकला है, तो इसको बोलते हैं एपिकैलिक्स या हाइपोकैलिक्स कंडीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम है, चाहे वो RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, चाहे कॉलेज लेक्चरर का है, चाहे ACF का है, चाहे 11th स्टैंडर्ड का पेपर है। MCQs के अंदर ज़्यादातर एग्जाम्पल्स बेस्ड MCQs आते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होता है फ्लावर का उसको बोलते हैं कोरोला, क्या बोलते हैं, कोरोला, इसकी जो यूनिट होती है पेटल, पीछे हमने डिस्कस किया था पेटल, यह आंतरिक क्रम की चपटी संरचना होती है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, हरे रंग की हो तो इसे सेपेलॉइड कहते हैं, अगर पेटल हरे रंग के हो तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेपेलॉइड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। पॉली पेटेलस, सेम पॉली सेपेलस कंडीशन, पॉली पेटेलस कंडीशन, यानी कि जितने भी बाह्य दल हैं वो आपस के अंदर फ्री हो, आपस में जुड़े ना हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉली पेटेलस कंडीशन बोलते हैं। ऑल द पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, दिस कंडीशन इज नोन एज पॉली पेटेलस कंडीशन, पृथक दली। गैमियोपेटेलस, ऑल द पेटल्स आर यूनाइटेड विद ईच अदर और फ्यूज्ड विद ईच अदर, दिस कंडीशन इज नोन एज संयुक्त दली। कौन सी कंडीशन होती है, संयुक्त दली कंडीशन होती है। अब होता है क्रॉस रूपी दलपुंज, क्रॉस रूपी दलपुंज, चार दल मुक्त क्रॉस की आकृति में व्यवस्थित हो, प्रत्येक दल दल फलक लिंब तथा नखर क्लाव में विभेदित हो, तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस रूपी दलपुंज बोलते हैं, क्रॉस रूपी या दलपुंज बोलते हैं। जैसे सरसों ब्रैसिका के अंदर, आप ब्रैसिका के अंदर ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, और ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, क्रॉस रूपी दलपुंज या क्रॉस रूपी कोरोला किसके अंदर होते हैं, सरसों के अंदर, किसमें, सरसों के अंदर इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये क्रॉस बना रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के दलपुंज किसमें पाए जाते हैं, सरसों के अंदर। नेक्स्ट होता है दीर्घ नखरी, दीर्घ नखरी कैरियोफाइलेसियस कोरोला, कैरियोफाइलेसियस कोरोला, ये पिंक डायंथस और साइलिन के अंदर पाए जाते हैं, कैरियोफाइलेसियस कोरोला। नेक्स्ट होता है गुलाबवत, गुलाबवत रोजियस टाइप, ओके, एवरंति यानी व्रंत नहीं होता, दलपुंज क्षैतिज रूप से फैले चक्र में व्यवस्थित होते हैं, जैसे गुलाब के अंदर। उसके बाद होता है पेपिलिनेशियस, पेपिलियोनेशियस कोरोला,
ये पांच कोरोला होते हैं, पांच पेटलों से। जो लार्जेस्ट होता है उसको बोलते हैं वेक्सिलम, ये वाला होता है वेक्सिलम, ओके। द्वजक बोलते हैं, दो पार्श्वदल, ये दोनों जो हैं ये वाले, इनको बोलते हैं विंग और एली, पक्ष बोलते हैं। और नीचे के दो दल संयुक्त होते हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं, नीचे के दो, इनको बोलते हैं कील और कार्निया, नोत्तल, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपिलियोनेसियस कोरोला, किसके अंदर होते हैं, ये मटरकुलीय पौधों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे पाइसम स्टाइवम के अंदर, ठीक है। जो बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं वेक्सिलम, दो लेटरल होते हैं उनको बोलते हैं लार्ज साइज के विंग बोलते हैं, और एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट होते हैं, दो स्मॉलेस्ट होते हैं और दोनों जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं कील या कैरिना बोलते हैं, ठीक है। अब होता है संयुक्त दली दलपुंज, गैमोपेटलस कौन से होते हैं, गैमोपेटलस घंटाकार, ओके घंटाकार, कैंपेन्यूलेट कैंपेन्यूला के अंदर पाए जाते हैं, शंक्वाकार इनफंडिबुलम पेटूनिया के अंदर पाए जाते हैं, नलिकाकार ट्यूबुलर सूर्यमुखी के बिंब पुष्पक डिस्क फ्लोरेट के अंदर, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस में अपने पढ़ा था कौन सा, कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस, इन कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस मुंडक पुष्पक्रम पढ़ा था, उस मुंडक पुष्पक्रम में दो प्रकार के पुष्पक होते हैं, एक रसीम पुष्पक होता है और एक कौन सा होता है, बिंब पुष्पक, बिंब पुष्पक को बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। तो डिस्क फ्लोरेट के अंदर जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, कौन से होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, कुंभाकार, ओके कुंभाकार, यूर्सुलेट ब्रायोफिलम के अंदर, ब्रायोफिलम को पत्थर चट्टा बोलते हैं, और दिवटाकार हाइपोक्रेटरी क्लीरोडेंड्रोन के अंदर, ये क्लीरोडेंड्रोन के अंदर पाए जाते हैं, चक्राकार रोटेट, चक्राकार रोटेट सोलेनम नाइग्रम के अंदर, जीवाकार लिग्युलेट जीवाकार लिग्युलेट, ये सूर्यमुखी का जो रसीम पुष्पक और सोंकस होता है इसके अंदर पाए जाते हैं, द्विओष्ठीय बाइलेबिएट सेल्विया ओसिमम एंटीराइना, इसके अंदर किस प्रकार के पेटल्स होते हैं, बाइलेबिएट प्रकार के पेटल्स होते हैं। नेक्स्ट होता है चोंच के समान, ठीक है, स्प्रूड डेल्फिनियम के अंदर पेटल्स पाए जाते हैं। ये सारे एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2015 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है सोंकस वाला, ठीक है। आगे देखते हैं परिदलपुंज, अब कैलिक्स और कोरोला अगर ना पाए और एक अलग ही चक्कर पाया जाए उसको बोलते हैं पेरियंथ या परिदलपुंज बोलते हैं इसको। अब क्या होता है परिदलपुंज देखते हैं, यह पुष्प के बाह्य दलपुंज व दलपुंज में कम विभेद होने पर दोनों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला शब्द होता है, और इसकी जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं। कोई एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर, आग के अंदर ये पेरियंथ पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो भाग होता है पुष्प का उसको बोलते हैं पुमंग या पुंकेसर, एंड्रोशियम और स्टेमन, द ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। इसको पुष्प का नर प्रजनन अंग बोलते हैं, इट इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, फिलामेंट कनेक्टिव एंथर, जैसे ये फिलामेंट है, ये ऊपर दो क्या लगे हुए हैं, एंथर लगे हुए हैं, और इन एंथर के बीच वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। कनेक्टिव एक स्टेराइल टिश्यू होता है, कौन सा होता है, स्टेराइल टिश्यू होता है, और ये पैरेन्काइमेटस होता है, कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस होता है, मृदु ऊतकीय होता है। बाइथिक स्टैमन, जब दो थिक्का हो तो उसको बाइथिकस स्टैमन बोलते हैं, ये वाला दो थिक्का वाला, ठीक है। मोनोथिकस यानी कि सिर्फ एक ही हो इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं मोनोथिकस। आई बात समझ में, एग्जाम्पल है मालवेसी कूल, गुड़ल, गुड़ल के अंदर कैसा होता है स्टैमन, मोनोथिकस होता है। नेक्स्ट होता है डाइवर्जेंट, कभी कभी पराग कोश के दोनों थिका एक दूसरे से या दोनों किनारों पर अलग अलग होते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। और पूर्ण रूपे बंद्य पुंकेसर को स्टेमिनोड कहते हैं, यानी कि स्टेराइल जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेराइल यानी कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते उनको बोलते हैं स्टेराइल स्टेमन, तो इस कंडीशन में बोलते हैं स्टेमिनोड। जैसे वर्बेस्कम, वर्बेस्कम के अंदर क्या होता है, स्टेमिनोड पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं पुंकेसरों का सहसंजन, कोहेजन ऑफ स्टेमन, कोहेजन ऑफ स्टेमन या एडल्फस कंडीशन,
फर्स्ट होती है एडल्फस कंडीशन, एक संगी, मोनो एडल्फस कंडीशन, एक संगी मोनो एडल्फस कंडीशन, जब सभी स्टेमन के फिलामेंट आपस में जुड़कर एक नली के समान संरचना बनाते हैं, या इट मीन्स व्हेन ऑल द फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स आर फ्यूज्ड एंड फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस ट्यूब इज नोन एज स्टेमिनल ट्यूब बट एंथर ऑफ द स्टेमन्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, ओनली फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड. ओके, सो दिस कंडीशन इज नोन एज मोनो एडल्फस कंडीशन. एंथर इसमें फ्री रहते हैं, जैसे गुड़ल के अंदर, हिबिस्कस के अंदर. अब ये ध्यान से देखोगे, स्टेमन्स के फिलामेंट्स जुड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. अब इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं. तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, मोनो एडल्फस कंडीशन कहलाती है. सेकंड कंडीशन होती है डाई एडल्फस कंडीशन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में क्वेश्चन आया हुआ, डाई एडल्फस कंडीशन. पुंकेसरों के फिलामेंट परस्पर जुड़कर दो समूह बनाते हैं, इसमें 9 स्टेमन के फिलामेंट जुड़कर स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं और एक स्टेमन फ्री रहता है. एक स्टेमन क्या रहता है, इसमें फ्री रहता है. डायग्राम में ध्यान से देखो, तो ये 9 स्टेमन है, ये 9 स्टेमन मिलकर क्या बना रहे, एक स्टेमिनल ट्यूब बना रहे, लेकिन एक स्टेमन क्या हो रहा है, फ्री कंडीशन के अंदर पड़ा. तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं डाई एडल्फस कंडीशन. किसके अंदर होता है ये, मटर के अंदर, पी प्लांट के अंदर, पाइसम स्टाइवम में अंदर, पेपिलियोनेसी फैमिली के अंदर. पेपिलियोनेसी एक सब फैमिली है किसकी, लेग्यूमिनेसी फैमिली की. नेक्स्ट देखते हैं बहुसंगी, पॉली एडल्फस कंडीशन. पॉली एडल्फस कंडीशन, पुंकेसरों के पूतंतु, पूतंतु फिलामेंट संयुक्त होकर दो से अधिक समूहों में विभक्त हो जाते हैं जबकि पराग कोश स्वतंत्र रहते हैं, यानी कि एंथर फिर फ्री है और फिलामेंट जुड़कर ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं. ध्यान से देखो, ये देखो, इसके अंदर एक ग्रुप ये हो गया, फिलामेंट जुड़कर एक ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया और सेमिनल ट्यूब बना रहे हैं. जैसे नींबू के अंदर, रूटेसी फैमिली के अंदर, सिट्रस के अंदर इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है. नींबू के अंदर, संतरा, नींबू, इन सभी के अंदर इस प्रकार की कंडीशन, ऑरेंज, ओके, लेमन, इन सभी में ये पॉलीएडल्फस कंडीशन पाई जाती है. नेक्स्ट होती है युक्त कोशी, सिनजीनिशियस कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिनजीनिशियस कंडीशन. सारे पुंकेसर पराग कोशों द्वारा संयुक्त होकर वर्तिका के चारों ओर नलिकाकार संरचना बनाते हैं. अब इस कंडीशन के अंदर ध्यान से देखोगे तो फिलामेंट इसमें फ्री रहते हैं लेकिन जितने भी एंथर हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं और किसको घेर लेते हैं, ये स्टिग्मा को घेर लेते हैं. स्टिग्मा किसका पार्ट है, कार्पल का पार्ट है. कार्पल का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा. स्टिग्मा को घेर लेते हैं आपस में जुड़कर. तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनजीनिशियस कंडीशन. फिलामेंट इसमें क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं. इसे युक्त पराकोशी, सिन एंथ्रस कंडीशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, सिन एंथ्रस कंडीशन भी कहते हैं. ये देखिए, एंथर जुड़े हुए हैं लेकिन फिलामेंट क्या, फ्री पड़े हैं. सारे फिलामेंट क्या, फ्री पड़े हैं लेकिन एंथर क्या, आपस में फ्यूज्ड. जैसे सूर्यमुखी के अंदर, हेलियंथस एनवस के अंदर. और ये एस्ट्रेसी फैमिली का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है. एस्ट्रेसी को कंपोजिटिव फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है. गेंदा, सूर्यमुखी, आर्जिमोन मैक्सिकाना, इन सभी कंडीशन के अंदर ये प्लांट के अंदर ये सिनजीनिशियस कंडीशन पाई जाती है. नेक्स्ट कंडीशन सम पुमंगी, सिन एंड्रस कंडीशन. सिन एंड्रस कंडीशन, सारे पुंकेसर ऊपर से नीचे तक अपने पूतंतुओं तथा पराग कोशों द्वारा परस्पर संयुक्त होते हैं. अब इस कंडीशन के अंदर एंथर भी फ्यूज्ड है और फिलामेंट भी फ्यूज्ड है. ओके, ऑल द एंथर्स एंड ऑल द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर एंड वी आर नॉट कंपेयर बिटवीन द एंथर एंड फिलामेंट. दिस कंडीशन इज नोन एज सिन एंड्रस कंडीशन. जैसे कुकुरबिटा, लूफा के अंदर, कुकुरबिटा और लूफा के अंदर ये कंडीशन. अभी इस डायग्राम के अंदर आप आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते कौन सा एंथर है, कौन सा फिलामेंट है, नहीं बता सकते. तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिन एंड्रस कंडीशन बोलते हैं. अब नेक्स्ट कंडीशन होती है एडहेजन ऑफ स्टैमन, पुंकेसरों का आसंजन. पुंकेसरों का आसंजन क्या होता है, जब फर्स्ट कंडीशन होता है दल लगन, एपिपेटलस कंडीशन. जब स्टेमन अपने फिलामेंट द्वारा कोरोला के साथ पूर्णतया या आंशिक रूप से जुड़े हों, ठीक है. व्हेन स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद पेटल, व्हेन स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद पेटल पार्शियली और कंप्लीटली,
दिस कंडीशन इज नॉन एज एपिपेटलस कंडीशन, जैसे सोलेनम के अंदर। ओके, सेकंड होती है परिदल लगन, एपी टेपेलस और एपी फाइलस कंडीशन, यानी कि जो पेरियंथ होते हैं उसकी यूनिट होती है टेपल, और अगर ये पेरियंथ के साथ जुड़े हों तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिदल लगन। जब पुंकेसर परिदल पुंज पेरियंथ के साथ जुड़े हों, वैन स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद पेरियंथ और वैन स्टेमन आर फ्यूज्ड विद टेपल, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपी टेपलस और एपी फाइलस कंडीशन। जैसे एस्फोडिलस, एस्फोडिलस प्लांट के अंदर इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट होता है पूजायांग गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस जब पुंकेसर जायांग से जुड़े हों, जब पुंकेसर किससे जुड़े हों, जायांग से जुड़े हों, वैन स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद गाइनोशियम, दिस कंडीशन इज नॉन एज गाइनेंड्रस कंडीशन या पूजायांग कंडीशन। कैलोट्रोपिस के अंदर होती है, ये आग के अंदर होती है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर, कैलोट्रोपिस एस्केलिपीडियेसी फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट होता है पूतंतु का पराग कोष से सहलगन, ठीक है, ये किस प्रकार से होता है, सबसे पहले होता अधबट, अधबट कंडीशन, बेसी फिक्स्ड और इनेट। फिलामेंट अपने पराग कोष अंतर के साथ आधार से जुड़े होते हैं, नीचे की तरफ ये देखो आधार से जुड़े हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेसी फिक्स्ड स्टेमन, सरसों ब्रेसिका के अंदर, मूली रेफिनस टाइवस के अंदर, एडेंट सहलगन। इस प्रकार की कंडीशन कैसी होती है, फिलामेंट अपने एंथर के साथ आधार से शीर्ष तक संपूर्ण लंबाई में जुड़े हों, ठीक है, फिलामेंट क्या होता है, ये देखो शीर्ष तक फैला हुआ है, आधार से शीर्ष तक फैला हुआ और दोनों तरफ क्या है, ये दो थिक्का हैं किसके, एंथर के। इस प्रकार के स्टेमन को क्या बोलते हैं, एडेंट, एडेंट स्टेमन, जैसे मैग्नोलिया माइकेलिया, मैग्नोलिया और माइकेलिया के अंदर। नेक्स्ट होता है पृष्ठ लगन, डोर्सी फिक्स्ड, डोर्सी फिक्स्ड के अंदर, फिलामेंट अपने एंथर से पृष्ठ तल से जुड़ा होता है, पेसिफ्लोरा के अंदर होता है पृष्ठ तल से, यानी कि ध्यान से देखोगे ये क्या है एंथर, ये एंथर, और इस एंथर के यहाँ से अगर जुड़ा हो इस टाइप से, दोनों के बीच के अंदर निकल के यहाँ से जुड़ा हो, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डोर्सी फिक्स्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोर्सी फिक्स्ड, जैसे पेसिफ्लोरा के अंदर। मुक्त दौली वर्सेटाइल, मुक्त दौली वर्सेटाइल, फिलामेंट अपने एंथर के इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एंथर मुक्त रूप से इधर उधर झूल सके, ठीक है। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे बीच के अंदर जुड़ा, ये इधर भी मूवमेंट कर सकता है और इधर भी मूवमेंट कर सकता है, घूम सकते हैं दोनों तरफ, ये घूम सकते हैं, तो इस प्रकार के स्टेमन को बोलते हैं वर्सेटाइल स्टेमन। जैसे पोएसी फैमिली के अंदर ग्रेमिनी, घास कूल, ओके, जितने भी अनाज है वीट प्लांट और इनके अंदर इस प्रकार के स्टेमन पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, टाइप्स ऑफ स्टेमन्स। अब देखते हैं पराग कोशों का सपुटन, डेजन ऑफ एंथर किस टाइप से होता है, डेजन ऑफ एंथर पराग कोशों का सफुटन। अनुलंबी लॉन्गिट्यूडिनल, इस प्रकार के सफुटन में पराग कोश लंबाई में एक एक पतली दरार जैसी संरचना बनाते हैं जिसके द्वारा पराग कोश पोलन चैम्बर खुलते हैं। यह सफुटन तीन प्रकार का होता है, बहिर्मुखी यानी बाहर की तरफ, बहिर्मुखी मतलब बाहर की तरफ, अंतर्मुखी एंड्रोशियम की तरफ, पार्श्वमुखी लेटरल साइड के अंदर। जैसे ये गाइनोशियम है और ये स्टेमन अगर ये बाहर की तरफ खुले है इस टाइप से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बहिर्मुखी, एक्स्ट्रोज, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रोज। और अगर ये अंदर की तरफ खुले इस टाइप से, किसकी तरफ, गाइनोशियम की तरफ, इसको बोलते हैं इंट्रोज, क्या बोलते हैं, इंट्रोज। और लेटरल साइड में खुले तो इसको क्या बोल सकते हैं, पार्श्वमुखी और लेट्रोज, लेट्रोज, ओके। लेट्रोज कंडीशन बहुत रेयर होती है, ज़्यादातर एक्स्ट्रोज एंड इंट्रोज कंडीशन पाई जाती है। अनुप्रस्थ ट्रांसफर्स, कैसे टूटता है ये, पराग कोश की चौड़ाई पर दरारें पड़ती है, ऊपर की ओर ये दरारें पड़ जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के सफुटन या डेजन को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्स। जैसे कपास के अंदर, गोसिपम के अंदर, गोसिपम हर्सुटम के अंदर होती है इस कंडीशन। नेक्स्ट होता है कपाटिया वॉल्यूलर, पराग कोश की दीवारें फटकर ऊपर उठ जाती हैं, इस टाइप से उठकर ये फैल जाती हैं, जैसे बारबेरी के अंदर, ठीक है, बारबेरी के अंदर छिद्रित पोरस, पराग कोशों के शीर्ष या आधार पर छिद्र विकसित होते हैं, इन्हीं छिद्रों द्वारा पराग कण पोलन ग्रेन मुक्त होते हैं, ये वाला जो होता है।
ठीक है, ये पोरस होता है, और ये वाली जो कंडीशन होती है ये कौन सी होती है, वॉल्वेलर होती है। जैसे शीर्ष छिद्र सोलेनम के अंदर होता है और आधार छिद्र किसकी तरफ होता है, केशिया के अंदर, सोलेनम और केशिया के अंदर। नेक्स्ट होता है इररेगुलर, अनियमित, पता नहीं चलता कहाँ से ये दहेज हो रहा है। पराग कोष किसी भी स्थान से फट जाते हैं, जैसे नाजस के अंदर, जैसे नाजस के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं पुंकेसरों की लंबाई, लेंथ ऑफ स्टेमन, डाइएंड्रस द्विदीर्घी, डाइएंड्रस द्विदीर्घी। पुष्प में चार स्टेमन हो, उनमें से दो स्टेमन आउटर लॉन्ग व दो स्टेमन इनर क्या हो, स्मॉल हो। यानी आउटर दो स्टेमन क्या हो, लॉन्ग हो, और बीच वाले दो क्या हो, स्मॉल हो। दिस कंडीशन इज नोन एज डाइएंड्रस कंडीशन, द्विदीर्घी अवस्था कहलाती है ये, जैसे तुलसी के अंदर। ओके, तुलसी के अंदर, ऑसिमम सिनेक्टम के अंदर। चतुर्दीर्घी, चतुर्दीर्घी, टेट्रा डायनमस कंडीशन, टेट्रा डायनमस। पुष्प में छः स्टेमन हो, उनमें से दो स्टेमन आउटर स्मॉल और चार स्टेमन इनर लॉन्ग हो। यानी आउटर दो स्टेमन तो क्या छोटे हैं, और बीच वाले चार स्टेमन क्या लंबे लॉन्ग हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं टेट्रा डायनमस कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, टेट्रा डायनमस कंडीशन, जैसे सरसों व मूली के अंदर। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो के अंदर हमने फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की स्टडी की, और पूरे हर पार्ट के विद एग्जांपल हमने स्टडी की। और देखिए स्टेमन्स की भी पूरी स्टडी, स्टेमन क्या किस टाइप के होते हैं, और स्टेमन की लेंथ क्या होती है, स्टेमन के फिलामेंट क्या होते हैं, एंथर क्या होता है, सभी की स्टडी हमने इस वीडियो में की। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट गाइनोशियम। ओके, दूसरे वीडियो के अंदर अपने जायांग के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर न्यू वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।